तो दोस्तों फोर्ड एंडेवर अब इंडिया नहीं आने वाली। क्यों? क्या हुई? बल्कि अब आने वाली है फोर्ड एवरेस्ट। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, है तो एक ही लेकिन नाम डिफरेंट है इंडिया में और बाहर के कंट्रीज में। एंड अब इंडिया में भी इसे एवरेस्ट ही बुलाएंगे और वो क्यों आइए जानते हैं। तो दोस्तों फोर्ड एंडेवर का कमबैक ऑलमोस्ट कंफर्म है, बट एंडेवर के रूप में नहीं बल्कि एवरेस्ट के रूप में। आपको तो पता ही होगा फोर्ड इसे इंडिया में एंडेवर के नाम से सेल करता था, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जैसे की ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड इनमें इसे एवरेस्ट कहते हैं। इंडिया में भी फोर्ड इसे एवरेस्ट के नाम से ही सेल करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम एवरेस्ट नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड था जिससे फोर्ड उसे यूज नहीं कर सकता था। सो इसलिए फोर्ड ने एवरेस्ट नेम को एंडेवर में चेंज कर दिया। लेकिन जैसा कि अब फोर्ड इसे वापस इंडिया में लॉन्च करने वाला है, तो फोर्ड ने एवरेस्ट नाम को अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया है और उसी कारण फोर्ड इसे एवरेस्ट नाम से ही लॉन्च करेगी, ना कि एंडेवर नेम से। ठीक है समरिया। वैसे ऐसा करने से फोर्ड को काफी फायदे होने वाले हैं। एक तो ये कि ये कार अब हम इंडियंस के लिए बिल्कुल न्यू होने वाली है, जिससे फोर्ड को इसे रीइंट्रोड्यूस करने में आसानी होगी। सेकंड, फोर्ड अगर ऐसा करता है तो उसका टाइम भी बचेगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। वो कैसे? देखो, अगर फोर्ड इसे एंडेवर नाम से वापस लाता है तो इसमें काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि बेजेज और नेम प्लेट वगैरह में, और साथ में फोर्ड को अलग से एंडेवर नाम का प्रोडक्शन भी करना होगा, जिसके कारण उसे अपने चेन्नई प्लांट को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और वर्कर वगैरह भी हायर करने पड़ेंगे, जो टाइम और मनी दोनों कंज्यूमिंग होगा। सो इसलिए फोर्ड इसे एवरेस्ट नाम से ही इंडिया में लॉन्च करेगा। वैसे दोस्तों फोर्ड इसे लोकली अपने इंडिया में नहीं बनाएगा करीब 1 से 1.5 साल के लिए। अभी वो इसे सीधा इंपोर्ट करेगा सीबीयू के रूप में। हालांकि ऐसा करने से यह एक्चुअल प्राइस से थोड़ी महंगी लॉन्च होगी, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, बट सह लेंगे थोड़ा सा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो एंडेवर हमें जल्दी मिलेगी, क्योंकि अब फोर्ड बिल्कुल बनी बनाई एंडेवर इंडिया लाने वाला है, जिसे वो सीधे ही सेल कर सकता है बिना किसी चेंजेज के। वैसे फोर्ड भी इसको जल्दी इंडिया में लॉन्च करना चाहता है फॉर्च्यूनर का सिस्टम खत्म करने के लिए। फॉर्च्यूनर वीएस इंडेवर पहले भी ये तगड़ी राइवलरी रही है, और अब इंडेवर के आने से तो इसमें और भी मजा आएगा। आप कमेंट में बताओ आप किसकी साइड हो, फॉर्च्यूनर के या इंडेवर के। बाकी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं चला पैसों का पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि फॉर्च्यूनर लेनी है। अच्छा बात नहीं है।